उत्तर प्रदेश की सियासत में हर रोज नए नए शगुफे देखने को मिल रहे हैं। मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के चुनावी अभियान में शामिल होंगे या नहीं, इसे लेकर स्थिति साफ नहीं हो पाई है। लेकिन लोकदल ने मुलायम सिंह को स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शीर्ष पर जगह दी है। हालांकि अभी खुद मुलायम सिंह यादव ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि अपने बेटे अखिलेश के लिए चुनावी अभियान में प्रचारक की तरह नजर आएंगे या नहीं। दरअसल सपा कांग्रेस के गठबंधन के बाद उन्होंने कहा कि वह प्रचार नहीं करेंगे, वहीं दूसरे ही दिन उन्होंने यू टर्न लेते हुए कहा कि वह प्रचार करेंगे। ऐसे में अब लोकदल ने मुलायम को अपने टॉप प्रचारकों की लिस्ट में जगह दे दी है। आपको बता दें कि मुलायम सिंह सपा और कांग्रेस के गठबंधन से नाखुश हैं, इसी वजह से उन्होंने नाराजगी जताते हुए अभियान में शामिल न होने की बात कही थी, क्योंकि उन्हें लगता है कि सपा अकेले ही 403 में से 300 सीटें ला सकती है। इधर लोकदल ने अपने 14 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें उन्होंने मुलायम का नाम सबसे ऊपर रखा है। और मुलायम सिंह के नाम के बाद लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह का नाम है। लिस्ट में अभिनेता राजपाल यादव और मार्कंडेय देशपांडे का भी नाम शामिल है। इस बीच लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह ने कहा कि हमें उम्मीद है कि नेताजी हमारे उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे, वो हमारी पार्टी के साथ थे और वे सच्चे समाजवादी हैं और इसलिए हम अभियान में उनकी तस्वीर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हाल ही में खबर आई थी कि मुलायम सिंह यादव अपने भाई शिवपाल सिंह यादव के चुनावी क्षेत्र जसवंत नगर से चुनाव प्रचार में उतरेंगे, लेकिन अब लोकदल की स्टार प्रचारकों की सूची में जगह बनाकर उन्होंने नई बहस को जन्म दे दिया है। देखते रहिए डीबी लाइव।